अच्छी नहीं कह रहे, हम देख मारे कौन आपको, मारे कौन? मेहताब खान बोल गए है वो एमएम पार्टी में, मेहताब खान आके वो बैनर को कैसा निकाल रहे, तुम देख रहे कैसा बोलिए रहे तो हाथ रख दिया। आप क्या हाल है ना भैया, प्रोटेस्ट कर रहा, आप राइटिंग में करो कुछ बात रही तो कानून अपना काम करता, उसके बजाय मारामारी कर देना, कोविड प्रोटोकॉल लगा हुआ है और बिलखसूस तेलंगाना में जियो एमएस नंबर 1 1 जनवरी 2022 का जियो इम्प्लीमेंट है। इसके बावजूद आज मेनहोलों के इनाग्रेशन के लिए अकबरुद्दीन निकले, 4 मेनहोलों का इनाग्रेशन करने के वास्ते कल रात से डीजे बाजा पटाखे, 2 एमएलए जुलूसा लेके फिर रहे, उनके वर्करा जुलूसा लेके फिर रहे और पुलिस डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं मुतालबा करता हूं जनाब चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कि फिलफौर पुलिस से रिपोर्ट तलब करें कि कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जुलूसा कैसे निकाले जा रहे, ये हंगामा डीजे कैसा मचाया जा रहा। आज गरीब खाने के लिए परेशान है, दवाओं के लिए परेशान है, लेकिन आज डीजे बजाने के लिए लाखों रुपये एमआईएम के नाम पर खर्चा हो रहे। आज खाने के लिए दवाओं के लिए ज़यीफ़ लोग आज पुराने शहर में परेशान है, पटाखों के लिए लाखों रुपए के पटाखे छोड़े जा रहे, हज़ारों रुपए के फूल पिनाए जा रहे, ये अजीब और गरीब तमाशा है, ये सब मौजूद मुसलमान देख रहा। और इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में बायोमेट्रिक इलेक्शन आधार कार्ड पे लिंक होके हो रहा, मुसलमान इसका जवाब ज़रूर देगा। मैं कमिश्नर साहब सी वी आनंद साहब से मुतालबा करता हूँ कि साउथ जोन पुलिस से इसकी रिपोर्ट तलब करें कि पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की निगरानी में, डीसीपी साहब की निगरानी में, एसीपी साहब की निगरानी में, इंस्पेक्टरों की निगरानी में, उनके आंखों के सामने जब कोविड प्रोटोकॉल टूट रहा था, कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे डीजे बाजे फूल के हारा पटाखे और एक तमाशा करके सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे, तो उस पर कोई पुलिस वाला एतराज़ नहीं कर रहा था, बल्कि जो लोग एतराज़ करें उनके ऊपर पुलिस हावी होकर उनको काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तो ये मैसेज दे रहे हैं कि साउथ जोन के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस सिर्फ इनके ताकतवर के पैर पकड़ती है और कमज़ोर का सर के बाल पकड़ती है, ये कानून चल रहा है हैदराबाद पुलिस में। सारे पुराने शहर के पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल है कि वहाँ इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहा, बल्कि मजलिस के राउडी शीटरों के हवाले पुलिस स्टेशन हो गया। FIR होना नहीं होना वो मजलिस के राउडी शीटर अकबरुद्दीन असदुद्दीन के राउडी शीटर डिसाइड कर रहे कि किस पे FIR होना, ये हालात है और ये हालात को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आवाम के दरमियान निकलेंगे, आवाम को सड़कों पर उतारेंगे और एक बड़ा एहतजाज करेंगे और ये गुंडागर्दी का खात्मा करेंगे। और KCR साहब से मुतालबा करते हैं कि फौरी साउथ जोन पुलिस से रिपोर्ट तलब करें और दोनों MLA पे और इनके तमाम कारकुनों पे जो आज गांजे के कारोबार, शराब के कारोबार, आज सूद के कारोबार, आज लैंड ग्रैबिंग के कारोबार, पुराने शहर में गवर्नमेंट स्कूल बेचना, गवर्नमेंट लैंड बेचना, सरकारी पैखाने बेचना, शमशान घाट बेचना, कब्रस्तान बेचना, औकाफ के ज़मीना बेचना, यही काम है, इसके अलावा मजलिस का कोई दूसरा काम नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन में हम डट के मुकाबला करेंगे। और बेचैनी है कि जो है यहाँ पर झड़प होने का मकसद क्या? कोई मकसद नहीं, यहाँ आके एक तमाशा डीजे लेके आके ऑफिस के सामने तमाशा कर रहे थे। तहरीक के लोग जमा थे, पुलिस वाले उनको चला रहे नहीं थे, 15-20 मिनट यहाँ ठहर के डीजे बजा के नाच गाना कर रहे थे, उससे डिस्टर्बेंस यूसेस अकबरुद्दीन ओवैसी आके करा यहाँ पे, या तहरीक के लोग नहीं करे, उन्हें आके या रुक के गाड़ी रोक के उन्हें शर चाह रहा था, उन्हें झगड़ा चाह रहा था, लेकिन हम एहतियात करके झगड़ा होने नहीं दिए, इसलिए कि आज लोग परेशान है और ये हालात के अंदर आज हर घर में परेशानी है, वो पेश नजर हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। हम तो हमारे तरफ से कंप्लेंट दिए, अब कार्रवाई करना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। मैं वही मुतालबा कर रहा हूँ कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद साउथ जोन पुलिस से रिपोर्ट तलब करे, उन पे कार्रवाई करे और वो पुलिस ऑफिसरों पे भी कार्रवाई करे जो पुलिस ऑफिसर इनसे मिलके इनको ये तमाम कानून तोड़ने का पूरी गुंजाइश दिए, उनकी मदद करे, उनकी सरपरस्ती करे, तमाम साउथ जोन के पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है इसके अंदर, और विदाउट परमिशन, कोई परमिशन नहीं था रैली को, कोविड प्रोटोकॉल के अंदर कैसा परमिशन मिलता? भाई जियो है ना, जियो एमएस नंबर 1 है, इसके बावजूद हो रहा, हजारों रुपए के बैनर लग रहे, पटाखे छोड़ रहे, डीसीपी से पूछे तो सबसे बात करे, डीसीपी को करे, कमिश्नर को करे, सबको कर लिए,
और सामने ठहर के उन लोगों को पूरा करने दे रहे, जुलूस जा रहा, फोन करके बोल रहे डबलपुरा ब्रिज के जुलूस है, आप रोको, नहीं रोक रहे। यहाँ आके तमाशा हुआ पूरा, मलकपेट से निकल के उन निकल के यहाँ तक आए, जब तक पूरा उनको मौका दिए। ये पुलिस जिम्मेदार है, साउथ जोन पुलिस जिम्मेदार है, ये जो तमाशा करी पूरा।